जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल के लब आजाद है तेरे में आज दो मुद्दों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो आपस में जुड़े हुए हैं। मुद्दा नंबर एक, जामिया में जो शख्स बंदूक लहराते हुए पिस्तौल लहराते हुए आया उसके पीछे यकीनन अनुराग ठाकुर जैसे मंत्रियों की सोच थी, मगर इस सोच को बढ़ावा किसी और ने नहीं, गोदी और सुपारी मीडिया ने दिया। और मैं आपके सामने कुछ चीजें लेकर आया हूं जो आपको सख्ते में डाल सकती हैं। और मुद्दा नंबर दो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली बीजेपी ने आतंकवादी तो करार दे दिया है, मगर यह किस तरह से बैकफायर कर रहा है और अरविंद केजरीवाल इस पर किस तरह की सियासत कर रहे हैं, यह दोनों मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से गोदी मीडिया जिम्मेदार है इस युवक के लिए जो जामिया में पिस्तौल लहरा रहा था। आपको याद है कुणाल कामरा ने जब रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को एयरलाइंस के अंदर कुछ सवाल किए थे, नतीजा यह हुआ था कि एक नहीं दो नहीं चार चार एयरलाइंस ने उन पर पाबंदी लगा दी, उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया। अब सामने खबर यह आई है कि जिस विमान में कुणाल कामरा और वो संपादक था उसके पायलट ने कहा है कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं किया। तीन लेवल्स होते हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल वन में अगर आप जुबानी तौर पर किसी के साथ बदतमीजी करें उसकी सजा, लेवल टू अगर आप किसी के साथ हाथापाई करें, और लेवल थ्री अगर आप विमान को खतरे में डाल दें। और इन तीनों लेवल्स में किसी भी लेवल का दोषी नहीं है कुणाल कामरा, ये किसी और ने नहीं बल्कि प्लेन का पायलट कह रहा है। मगर मुद्दा वो नहीं है दोस्तों। याद है कल जब यह शख्स पिस्तौल लहराता हुआ जामिया में आया था, क्या आप जानते हैं बगैर पड़ताल किए हुए रिपब्लिक टीवी ये झूठ चलाने लगा। आपकी स्क्रीन्स पर यह चलाया जा रहा है कि यह जो बंदूक लहराने वाला पिस्तौल लहराने वाला युवा है यह जामिया के प्रदर्शनकारियों में से है। झूठ नंबर एक। झूठ नंबर दो, उनका यह पत्रकार लगातार अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा था कि आखिर तुम कब तक इस तरह से जहर फैलाओगे। इसको शर्म भी नहीं आती कि अगर तुम्हारी इस बात को हम सच भी मान लें कि वो प्रदर्शनकारी जामिया से था या जामिया के प्रदर्शनकारियों में से शामिल था वो युवा, तो क्या तुम्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इसके हाथ में पिस्तौल कैसे थी? क्या इस पत्रकार ने, क्या इस चैनल ने ये सवाल किया कि जब ये शख्स गोली चला रहा था, जैसा कि आप इस शॉट में देख सकते हैं जो रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी ने लिया, तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे इस तरह से क्यों खड़ी हुई थी? इन लोगों ने बिल्कुल यह सवाल नहीं किया। शाम को इनके इस संपादक में, जिससे कुणाल कामरा ने बेइज्जत किया था, कटघरे में रखा था एयरलाइंस के अंदर, इंडिगो एयरलाइंस के अंदर, इसने यह झूठ चलाया। स्टॉप प्रोवोकिंग इंडिया, भारत को भड़काना बंद करो। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक चैनल अपने वजूद में आने के बाद से अब तक लगातार सत्ता का जहरीला प्रोपेगेंडा चला रहा है, इस तरह की गलत बयानियां और झूठ कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इनका हिंदी चैनल लॉन्च हुआ था तो अपने पहले दिन इन्होंने खबर चलाई थी कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सैकड़ों कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका कोई प्रमाण इन्होंने पेश नहीं किया, मगर सिर्फ और सिर्फ झूठ। क्यों? क्योंकि यह चुनावों से ठीक पहले का मंजर था। ये चाहते थे कि इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा चलाकर कहीं ना कहीं फायदा हो सत्तारूढ़ बीजेपी को। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कुणाल कामरा ने जो किया, आज अगर आपके सामने हिटलर के जमाने का जोसेफ गिबल्स जो प्रचार मंत्री था, जिसके जहरीले प्रचार के चलते लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था हिटलर की सरकार ने, क्या आप उससे सवाल नहीं पूछते? या रेडियो रवांडा के जहरीले जो सोच थी, उसका जो प्रोपेगेंडा था, जिसके चलते लाखों तूतसियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्या आप उनसे सवाल नहीं करते? ये लोग झूठ का प्रसार कर रहे हैं, समाज में नफरत का प्रसार कर रहे हैं।
और सबसे दुख की बात यह है कि ये लोग पूरी तरह से बेलाग हैं, इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि तुम जो ये बात कर रहे हो इसका असर समाज पर क्या पड़ रहा है। आज मैं उन युवाओं से बात करना चाहता हूं जो जामिया में पिस्तौल लहराते इस युवक की हरकत को सही ठहराता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जिस पत्रकार को एयरलाइंस के अंदर कुणाल कामरा ने कटघरे में रखा था, उससे सवाल किए थे, क्या वो पत्रकार अपने बेटे को भेजेगा हाथ में पिस्तौल लिए जामिया के अंदर? भेजेगा? अगर ये अपने बच्चों को इसी तरह से उस राम भक्त की तरह जामिया में पिस्तौल लेके भेजेगा ना, तो मैं मानने को तैयार हूं कि शायद उसका काम सही है। या फिर इन दो शहरों पर गौर कीजिए, अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। क्या अनुराग ठाकुर और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अपने बच्चों को हाथ में पिस्तौल लिए भेजेंगे जामिया के अंदर लोगों पर गोली चलाने के लिए? बिल्कुल नहीं भेजेंगे दोस्तों। ये क्या करते हैं, ये अपने चैनल्स के जरिए, ये अपनी सियासत के जरिए सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाते हैं और आप मूर्खों की तरह भटक जाते हैं। वो युवा जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं है, आज की तारीख में वो बंदूक लहराता आ तो गया, पिस्तौल लहराता आ तो गया, मगर क्या आप जानते हैं कि तुमने हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, हमेशा के लिए। क्योंकि कल को कोई उसे नौकरी देगा तो लोगों के जहन में डर होगा। बेशक नौकरी देने वाला उसकी विचार से इत्तेफाक रखता हो, सहमत हो, मगर उसको यह डर लगेगा, अरे ऐसा तो नहीं होगा कल को कोई झगड़ा हो तो यह अचानक पिस्तौल निकाल देगा। उसके चरित्र पर, उसके करियर पर अनुराग ठाकुर, रिपब्लिक टीवी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की सोच ने हमेशा के लिए दाग लगा दिया है। यह गुनाह है गोदी मीडिया का, यह गुनाह है उस जहरीली मीडिया का। आज आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आज आप लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने आंखें मूंद रखी है, मगर आपको अंदाजा नहीं है कि आप देश तो एक अलग बात है, आप अपने परिवार, आप अपने मासूमों के साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। और ये प्रवेश साहिब सिंह, ये अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बता रहा है। क्या सियासत में किसी तरह का की कोई सौम्यता नहीं होनी चाहिए? संवाद में कुछ ठहराव नहीं होना चाहिए? क्या आप सियासी संवाद को किसी भी हद तक ले जा सकते हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आप सियासत को किस गर्त में दफन कर रहे हैं? और इसी से जुड़ा हुआ है मेरा दूसरा विषय आज बोल के लब आजाद है तेरे में, कि अरविंद केजरीवाल का यह मुद्दा, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर गड़बड़ यह है कि उनका सामना अरविंद केजरीवाल से हो रहा है जो इस पूरे प्रोपेगेंडा को बीजेपी की तरफ ही मोड़ रहा है। कैसे, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जिसने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताया, और दूसरा हर्षवर्धन सिंह जो यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बाहरी व्यक्ति है, वो दिल्ली का बेटा कैसे हो सकता है। दोनों ही नेता यह बयान देकर बुरी तरह से फंस गए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रवेश साहिब सिंह ने जो शर्मनाक बयान दिया, सुनिए। किसी हिंदू लड़की को कोई मुसलमान उठाकर ले गया मगर कोई उसका बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि एक केजरीवाल जैसे नटवरलाल, एक केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं। अब सुनिए किस तरह से हर्षवर्धन सिंह ने अरविंद केजरीवाल को बाहरी करार दे दिया। पहले तो हमको ये नहीं समझ में आया कि दिल्ली के बेटे कहाँ से है, हरियाणा के अंदर, मुझे तो यही पता था कि हिसार में पैदा हुए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो जमाना जब अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, उनका वो बयान याद है कि मोदी एक कायर और मनोरोगी हैं। उसके बाद से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल की सियासत में जबरदस्त परिवर्तन आया है, और जैसे ही प्रवेश साहिब सिंह ने उन्हें आतंकवादी बताया, अरविंद केजरीवाल ने इसे एक सियासी मुद्दा बना दिया। अब देखिए उन्हें जो आतंकवादी बताया गया है, किस तरह से उन्होंने इसे अपने माता पिता के साथ जोड़ा, ये सुनिए आप। और ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। कल शाम को जब मैं अपने घर गया, मैं अपने मां बाप के साथ रहता हूं, मेरे मां बाप मेरा इंतजार कर रहे थे कल शाम को। जब मैं अपने घर पहुंचा, मेरे मां बाप बहुत दुखी बैठे थे, बोले जी सवेर से टीवी पे देख रहे हैं, ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है।
मेरे माँ बाप ने कहा कि हमारा बेटा कट्टर देशभक्त है, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल अब सियासत सीख गए हैं, और जैसे ही हर्षवर्धन सिंह ने उन्हें बाहरी बताया तो उन्होंने हरियाणवियों, पूर्वांचलियों और दिल्ली में जो बाहर से आके बसे लोग हैं उसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया। और आप जानते हैं कि दिल्ली में बाहरी लोगों की कितनी बड़ी तादाद है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, देखिए। डॉक्टर साहब, आपकी मुझसे नफरत है, आप मुझे गाली दीजिए। आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पैदा हुए और दिल्ली में आकर बसे सब लोगों को पराया कैसे बोल सकते हैं? भाजपा के लिए वो पराए हैं, मगर वे हमारे तो दिल्ली परिवार का हिस्सा हैं। हम दिल्ली वालों ने उनको सबको अपना लिया है, अपना परिवार बना लिया है। दोस्तों, क्या इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी? यकीनन शाहीन बाग को लेकर जो पूरा विवाद हुआ है, इस वक्त जो एक सोच चल रही है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, मगर ये अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। दोस्तों देखिए, अगर तो आप अरविंद केजरीवाल को एक सार्थक राजनीतिक संवाद में पटखनी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर जैसे ही अमित शाह ने यह कहा कि बाबरपुर में करंट दबाइए और झटका शाहीन बाग में लगे, और उसके बाद ये तमाम लोग लाइन से लग गए, पहले छुटभैया नेता कपिल मिश्रा, उसके बाद अनुराग ठाकुर, उसके बाद प्रवेश साहिब सिंह, तो माहौल में पूरा जहरीला एक तरह से संवाद कर देना, और फिर ये खबर आने लगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो रहा है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए जहर की जरूरत है, आपके और हमारे नसों में जहर भरने की जरूरत है। अगर ये पॉजिटिव संवाद होता तो यकीनन उन्हें पूरा अधिकार है पटखनी देने का। मगर आप सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा था परसों अपने एक राजनीतिक सभा में। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर हम नफरत से जीत भी गए तो इसका कोई फायदा नहीं है, जरूरी है कि हम एक सकारात्मक संवाद पर अपनी जीत हासिल करें। राजनाथ सिंह पुरानी बीजेपी का हिस्सा है, वो वाजपेयी की सोच से इत्तेफाक रखने वाले, ये कहा जा सकता है कि वाजपेयी के चेले कहे जाते हैं, वो पुरानी बीजेपी का हिस्सा है, और वो समझ रहे हैं शायद मन ही मन में कि ये जो जहरीला संवाद देश को किस तरफ ले जा रहा है और दिल्ली बीजेपी को किस तरफ ले जा रहा है। मगर उनकी भी मजबूरी है, वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी के अंदर कोई भी आज की तारीख में सेंसिबल बातें करे, समझदारी भरी बातें करें तो उसका क्या हश्र होता है। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उनके जहन में ये सोच लगातार काम कर रही है कि इस वक्त पार्टी की दशा और दिशा क्या है, और अगर यही जहर के चलते भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज हो भी जाए, दिल्ली विधानसभा की सत्ता में काबिज हो भी जाए, तो इससे बड़ी त्रासदी दोस्तों कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, आम बजट पेश किया जाने वाला है और दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर दो बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपसे फिर एक बार अपील करने जा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मौके का फायदा उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सार्थक संवाद, एक सकारात्मक संवाद, एक पॉजिटिव संदेश देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बात पर एतबार करेंगे, आपकी बात को माना जाएगा, कम से कम आपके पार्टी के जो जहरीले कार्यकर्ता हैं, जो जहर अक्सर उगलते हैं, वो इस बात को जरूर मानेंगे। आपके पास एक मौका है, देखिए अभी 4 साल हैं अगले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में, आप इतनी, आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके इस जहरीले बयान के चलते आप भारत को हाथ पकड़ के ले नहीं जा रहे हैं, आप भारत को धक्का दे रहे हैं कि वो एक फेल्ड स्टेट बन जाए, उसकी हालत आपके पड़ोसी जैसी हो जाए जिसे एक डी फैक्टो फेल्ड स्टेट कहा जाता है, आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इस देश को एक फेल्ड स्टेट बनने से रोकिए, और यह जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है।
खैर, बोल के लब आजाद हैं तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। नमस्कार। Thank you.